कई लोग कहते हैं साध्वी जी आप तो संत हैं, संतों को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, संतों को गालियां नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा भैया अब हम उस परंपरा के संवाहक नहीं रह गए जो परंपरा में कहते थे कि कोई इस गाल पे मार दे तो भैया ये गाल भी दे दो। ना ना बहुत मार लिया और बहुत मरवा लिया, अब तो थप्पड़ मारने मरवाने की बात नहीं है कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी दे दे। हम बहुत कह चुके हैं, एक दो और सुना होगा आपने, दो और सुना होगा, उसमें कहा जाता दो जो तो को काटा वो है ताको वो तुम फूल और ताको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। मैं कहती हूँ नहीं नहीं अब फूल जो त्रिशूल वो है उसको फूल मत देना, जो तो को काटा वो है हिंदू, याद रखना ये लाइन हमारे भारत देश की संतों की है। ये जो बात मैं आज मंच से बोली ये आप सबके लिए है, गांठ बांध लो उस बात को कि जो तो को काटा वो है ताको वो तुम भाला और अवैसी साला क्या याद रखेगा अपना हिंदू से पाला। अगर भारत देश में जिसे रहना होगा उसे वंदे मातरम कहना होगा। भारत देश में राम मंदिर पे इतने सारे अड़चन आ रहे हैं, कभी कहता है कोर्ट निर्णय करेगी, आप बताओ राम मंदिर का निर्णय क्या कोर्ट करेगी? नहीं, ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की श्रद्धा है। हम सभी चाहते हैं ना राम मंदिर बने, हाथ उठाइए, सभी चाहते हैं ना राम मंदिर बने। हैदराबाद में कहा जाता है हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे, वो कहता है राम जी के माता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ओवैसी तू क्या तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकता, और तेरा बाप क्या पूरा पाकिस्तान भी आ जाए ना तो राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस मंच से कहते हैं हम, इस मंच से कहते हैं कि राम मंदिर तो बनेगा, अयोध्या में बनेगा और दूसरा राम मंदिर इस्लामाबाद में बनेगा, और ये सारे हिंदू जाके वहां पे पूजा करेंगे अर्चना करेंगे